अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब का ठीक ठाक, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दर्द की अच्छा तो आज मौजूदा रोमा में रोमा किस वक्त हम रोमा के प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन है प्लेटफार्म ट्रिमनी में मौजूद हैं। तो आज हम आए हैं तो रोमा को घूमने फिरने के लिए, कुछ अपने ज़रूरी काम थे तो ज़रूरी काम से फिर बाकी आपको आज की नाइट वॉक भी आती है यहाँ पर स्ट्रीट वॉक, वो भी आपको दिखाते हैं कि रोमा कैसे कितना खूबसूरत है। कुछ दिन पहले तो जियो ने एक अपनी वेबसाइट पर एक शाया की थी, उसमें दर्ज था कि रोमा दुनिया के 83 शहरों में से 5वें नंबर पर है। तो देखते हैं कि इनके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो कितनी खूबसूरत हैं, और इस अखबार से भी रोमा मशहूर है कि ये रोमन एम्पायर का कैपिटल था और तजारत के सारे मर्कज यहाँ से इसको डील करते थे, हैंडल करते थे। तो आज देखते हैं कि कितना खूबसूरत शहर है। पहले भी हम वैसे आए हुए हैं, लेकिन पहले जरूरी काम से आते थे, उतना बाहर आना जाना नहीं था होता, लेकिन आज हम आपको स्ट्रीट वॉक करते हैं स्पेशली इसलिए आए हैं, फिर आपके सारी स्ट्रीट वॉक करेंगे, दिन को भी कुछ मकाम कवर करेंगे और बाकी अपने काम काम कह रखेंगे। ये हाँ जी रोमा ट्रिमनी, रोमा शहर है ये ट्रिमनी, इसका रेलवे स्टेशन का नाम है। ये है जी जो यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं ना, ये इनको महफूज करके रखते हैं। तो अभी ये वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हमने जाना है कोलोसियम जाना है, अभी वो कोलोसियम से चलो क्लोज हो गया होगा इस वक्त क्योंकि ऑफ हो जाता है उनका टाइमिंग ये, लेकिन वो बाहर का व्यू हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, और बाकी के हमने 8-10 पॉइंट नोट किए हुए हैं वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम रोमा में हैं, ये NH कलेक्शन होटल्स है और ये रेलवे स्टेशन का सारा व्यू है। जी बेहतरीन ये वाकई हिस्टोरिकल मुकाम आता है। ये इनके रोमन एम्पायर की वक़्त का बना हुआ है, ये 5th century का है। 5th century आपको पता होना चाहिए, 5th century हुई है जब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, तो ये 5th century का है। अब ये उसके आगे पीछे ही होगा, उस वक़्त का ये चर्च है, बहुत ही पुराना चर्च है। ये देखें कि इन्होंने कैसे इसकी केयर की हुई है 5th century का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बता सकता हूँ कि इसकी देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, इतनी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन उस वक्त में 5th century आप सोचें किस वक्त ये कंस्ट्रक्शन 5th century का। तो बाद में इसको रिपेयर किया होगा, बाकी चीज़ें भी होगी, लेकिन ये तब का ये यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये डेक्ट है, ये कैसा, ये अंदर जाने की किसी को भी अब इजाज़त नहीं है।
मतलब कि आप यूँ कह लें कि ये फर्स्ट मेंबर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर है। आपने अक्सर देखा होगा वीडियोज़ में पिक्चर्स में ये सारी जो इतनी इनकी जो सारी प्लेसेज है ना रोमन एम्पायर के वक्त की है फिर बाद में लेकिन पहले कि आप यूरोप में जितना भी है आपकी ये सारी पुरानी बिल्डिंग है हिस्टोरिकल मकाम आता है तो ये आप देखें मॉडर्न तैयार किया गया अभी हम इसके अंदर नहीं जा सकते वरना आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या व्यू है क्योंकि अभी हमने पिछली दफ़ा के बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी थी हमने घूमे फिर बिल्कुल इसलिए रात को उसको प्रेफर किया फिर आपको मौसम ठीक हो जाता है पानी को जा सकेंगे और देख सकेंगे सारे प्लान से लेकिन इसके अंदर का व्यू भी जब हम कभी अभी मरतबा को तो हम आपको जरूर दिखाएंगे बहुत फेमस पॉइंट है बाकी और भी व्यूज हैं वो भी आपको दिखाते हैं अच्छा जी ये रोमन फोरम है ये रोमन एम्पायर के किचन में मारते हैं ये भी मारा था ये बिल्कुल टूरिज्म के साथ है ये साथ टूरिज्म है और ये रोमन फोरम है ये बिल्कुल उसी के साथ है ये उनकी किचन में मार चलो मैं ये जो है ना ये जो कह रहे हैं कि आप क्या कह सकते हैं मनार टाइप जो ये भी रोमा की पहचान है आपको जगह जगह पे ये नज़र आएंगे पूरे इटली में और पूरे इटली में कहूँ पूरे रोमा में ये नज़र आएंगे और बाकी भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है और उसके अलावा जो यहाँ के टूर मशहूर जो है जो मशहूर है इनके टूर मकाम इमारत है वो दिखाते हैं हम आपको भी ये है जी प्याजा विनोदिया इसका नाम है ये देखें कितनी खूबसूरत है क्योंकि सारी बिल्डिंग इन्होंने संभाल के रखी है यार इसकी केयर करते हैं ये जैसे कि कह लें कि हम यार पाकिस्तान में जैसे हमारी बादशाही मस्जिद है वैसे जैसे हमारा किला है जैसे वो शीश महल है हमारा वैसे ही ये इमारतें हैं लेकिन इन्होंने बड़ी पाकिस्तान ने भी बड़ी अच्छी तरह केयर की हुई है लेकिन इन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह केयर की हुई है ये देखने वाला कहते हैं ये यूरोप की पहचान है यार लोग आते हैं बाहर से विजिट करने के लिए इन चीज़ों को आकर देखते हैं पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स को आप किसी से भी पूछ लें वो यही कहेगा कि भाई हम यूरोप जाना चाहते हैं कुछ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और फिर ये इमारतें देखना चाहते हैं ये चीज़ है आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है जी तो ये है फाउंटेन ऑफ द ट्रीवो इसका नाम है ट्रीवो ये मतलब कि ये भी यहाँ से पुरानी इमारत तो नहीं है
लेकिन ये यहाँ के वो कहने के टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ का, एक अच्छा खासा ये आप देख सकते हैं कितना रास्ता है यहाँ पे, तो आप मूव कर सकते हैं कितना रास्ता है, ऊपर बैठे हुए हैं देखिए जरा। यहाँ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। एप्पल हमने ले लिया है, मोबाइल भी ले लिया है, तो प्रोटेक्शन भी साड़ी करवा ली है, ये भाई साहब का मोबाइल है, और यहाँ करते हैं ब्लॉग को एंड। आप सब कुछ शुक्रिया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बहुत ज़्यादा, और अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका एम डॉट बी, खुदा हाफिज़।